हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में मेरा व्यू बुलिश है और यहाँ से 11,200 तक के टारगेट पॉसिबल है निफ्टी में और 23,000 तक के टारगेट्स है पॉसिबल बैंक निफ्टी में। लेकिन आज अगर आप देखो 22,500 के आसपास बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस हर्डल फेस किया है। अब कल के सेशन में हम देखते हैं कि 22,500 अगर क्रॉस कर लेता है तो 23,000 तक के टारगेट्स भी पॉसिबल है। अदरवाइज कहाँ तक एक रिट्रेसमेंट पुल बैक आ सकता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। निफ्टी तो क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हो आज का जो कैंडल है वो क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट कैंडल है। हो सकता है टेक्निकल पुल बैक आए और फिर वापस ऊपर जाए, करेक्ट, बिकॉज इट हैज क्रॉस द रेजिस्टेंस। सो एक ऐसा एक पैटर्न बन सकता है मुझे। हो सकता है 10,850 एक बार इंट्राडे में रिटेस्ट करे और उसके बाद वापस हमें 11,200 तक के लेवल हमें देखने को मिले। सो इंट्राडे में काफी अच्छा बाय रहेगा, 10,850-870 कह रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी 21,700-21,800 ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट जोन है। हो सकता है यहाँ पे एक इंट्राडे डिप दे बैंक निफ्टी भी, मुझे लगता है एक इंट्राडे डिप दे सकता है स्मॉल और उसके बाद वापस व्यू बुलिश हो सकता है। सो एक ऐसा पैटर्न बन सकता है, आप देख सकते हो, करेक्ट, क्योंकि यहाँ से ये लेवल से ब्रेकआउट दिया था, थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है और उसके बाद ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो दोनों में व्यू बुलिश है लेकिन बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लुपिन बाय दिया था, नहीं हुआ, जो मैंने आपको लेवल दिया था उसके ऊपर स्टॉक गया नहीं। बाटा इंडिया ने प्रॉफिट दिया आज, बाटा इंडिया में डेफिनेटली आप लोगों ने काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। 1310 के ऊपर मैंने बाय दिया था ये। ICICI प्रोडेंशियल में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, 444 के ऊपर बाय दिया था, इसमें 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस था, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर आप देखो डेली चार्ट है ये, और लास्ट का आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 दिन के आप कैंडल्स देखो, सबके सब डोजी कैंडल्स है, ठीक है। डोजी कैंडल्स है मतलब एक रेंज में फंसा हुआ है। अब ये डोजी कैंडल का अगर मैं लो मार्क करूं तो ये लो के नीचे सेल रहेगा और ये डोजी कैंडल का जो रेंज का हाई है अगर वो मैं मार्क करूं उसके रेंज के ऊपर बाय रहेगा। मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि ये जो बड़ा कैंडल है यहाँ पे जो सेलिंग आया था उसको फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आ रहा है। फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं आ रहा है मतलब स्टॉक गिर नहीं रहा है, ठीक है। बायर्स ने अभी भी स्टॉक को होल्ड किया हुआ है। यहाँ से हो सकता है यहाँ से एक अपू हमें देखने को मिले। तो मुझे लगता है यहाँ से बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, बट कौन से लेवल पे करना चाहिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक होगा अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट अगर आप देखो ये डेली चार्ट है एंड आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया है, 360 से लेके 310 तक ऑलमोस्ट 12% का फॉल है विदाउट एनी ग्रीन कैंडल। आप देख सकते हो एक भी ग्रीन कैंडल नहीं और बाकी सब बड़े बड़े रेड कैंडल्स है। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग पुल बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें हम 10-15 रुपए के मोमेंटम के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। कौन से लेवल पे बाय कर रहे हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा इंडिगो। इंडिगो थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर मुझे वीक लग रहा है क्योंकि आप देख सकते हो ये यहाँ से ट्रायंगल बनता है और ये आप देख सकते हो ये लो बार बार होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये लेवल बार बार रिटेस्ट कर चुका है। अब मुझे लगता है अगर ये लेवल टूटा तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। 950 का लेवल, 960 का लेवल जो इंपॉर्टेंट है, अगर वो टूटता है तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो इंडिगो काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।